Yes, sir. Whoa! हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज लेके आ रहे हैं आपके लिए एक और नया ब्लॉग, और ये ब्लॉग कुछ खास होने वाला है। तो आज का ब्लॉग है, आज मेरी छुट्टी, तो छुट्टी के दिन आज पूरा दिखाएंगे आपको आज का नजारा। आज सबसे पहले आज वेदर की बात करें तो देख सकते हैं आप, तो आज वेदर देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत, आज क्लियर सा और सनी डे, ठंड हो चुकी है कनाडा में, बट आज लगी है काफी धूप और सुनहरा, देख सकते हैं आप नजारा। आहा, तो दोस्तों काफी दिन हो गया आप लोगों को अपने सगवाड़े में लेके नहीं गए, तो आज मैं ले जाता हूँ आपको सगवाड़े में, चलते हैं फिर, बहुत टाइम हो गया गया नहीं मैं सगवाड़े में। तो आप देख सकते हैं हमारा सगवाड़ा, तो राई तब नहीं रहेगी दोस्तों, क्योंकि अब तो आ गए ठंडी का मौसम, राई सारी देखो पत्ते खराब हो जा रहे हैं। और गाइज एक नई खुशखबरी है, क्योंकि हमारी लौकी लग चुकी है, देख सकते आप लौकी यहाँ पे, वाओ लुक दैट गाइस, लग गई। तो गाइज यहाँ पे लौकी तो लग चुकी है, तभी थोड़ा बड़ी होने देते कुछ दिन और, तब तक दिखाते हैं हम आपको आलू। तो आलू के पेड़ देखो गाइज कितने बड़े बड़े हो गए यार, और आलू पे फूल भी लग रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े पेड़ दिखे तो मन खुश हो रहा है। बट गाइज मन कर रहा है कि इन पत्तों की सब्ज़ी भी होती तो कितना मज़ा आ जाता, जिस तरह से पत्ते दिख रहे हैं इनके, बस शायद अब 10-15 दिन में आलू भी हो जाएंगे देख सकते। और बच्चे लोग भी आ चुके हैं नीचे, तो आज मेरी ड्यूटी है यहाँ पे बच्चों को 1 घंटे तक खिलाने की, क्योंकि अभी तक ऊपर ब्रेकफास्ट बन रहा है, तब तक मैं यहाँ बच्चों को भी खिलाऊंगा साथ में, और यहाँ पे ब्लॉगिंग भी हो रही है। तब प्रियांश से देखो अपना जूस का गिलास भी लेके आ रखी है, और ये हमारा मिस्टर प्रिंस रोतेला। चलो गाइस, तो गाइज हो गया टाइम, तो हो गया मैं बच्चों के साथ काफ़ी देर खेल चुका हूँ, बच्चों को खिला लिया, अब चलते थोड़ा ऊपर, ब्रेकफास्ट रेडी है मेरे ख्याल से, अब करते पहले ब्रेकफास्ट। तो गाइज किचन में बन रहा है ब्रेकफास्ट, रेनू बना रही है यहाँ पे ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट में बन रहा कुछ स्पेशल, ये देख सकते हैं आप, ये बन रहे यहाँ पे क्या लगड़े, ये है लगड़े, लगड़े है ये भी पालक और टमाटर प्याज के, दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, यमी यमी, तो खाने के बाद पता लगे कैसे, फिर बनाओ जल्दी, बने हुए कुछ अभी नहीं बने, ये फर्स्ट वाला है गाइज, थोड़ी देर वेट करते तब खाते हैं। तो गैज अपना रेडी है लगड़ा, तो खाते हैं अपना, इसको वैसे हम चिल्लर भी बोल सकते हैं, और गढ़वाली में क्या बोलते हैं इसको, छोले रोटी, बस खाते हैं फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है, काफी मजे से ब्रेकफास्ट में मजा आ गया खा के, अब जा रहे हैं हम कहीं बाहर, मेरे साथ जा रही है कानी और मैं थोड़ा काम है बाहर, चलते गाइस फिर, अपनी लालू यहाँ पे खड़ी, चलो अंदर निकल चुके हैं, मेरे साथ है कानी। कानी हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हो आप? तो सब लोग अच्छे, आप कैसी हो? ठीक हूं। तो चले, चलो लेट्स गो गाइस। देखो सामने बिग बाजार, चलो गाइस यहाँ से भी अपनी शॉपिंग हो गई है, हम आए तो किसी और काम के लिए कहीं, बट वो तो काम हुआ नहीं, तो यहाँ पे देखा बिग बाजार, यहाँ पे शायद नहीं खुला है, तो इंडिया वाला बिग बाजार याद आ गया, चलो फिर थोड़ी देर शॉपिंग हो गई यहाँ से भी, घर का ग्रोसरी का, अब चलते सीधे घर। कहानी किधर है, चले लेट्स गो। Yeah.
डाल दिया ये। तो गाइस जैसे बाहर से घर आए थोड़ी देर घर में रहे, अभी दीदी का फोन आया कि आ जाओ उधर, वहाँ कहीं मेला लगा हुआ है वहाँ पार्क में, मम्मी कहते वहाँ गेम चल रहा है नैतिका, तो वहाँ आज काफ़ी मैच हो रहे होंगे, तो चलते फिर उधर भी देखते क्या हो रहा है। तभी सभी लोग जा रहे हैं वहाँ भी। ए देखो बच्चे लोग सब आ चुके हैं, मम्मी आनी बाकी अभी, लेट्स गो। कहीं चलते हैं, अब बच्चा पार्टी तो सारी बैठ चुकी है। बच्चा पार्टी किधर है? बच्चा पार्टी देखो लेट्स गो। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं पार्क में जहाँ पे चल रहा है गेम। अरे ये अदर छड़ी आप देखो, हमेशा खाने की प्यासी और खड़ी देखते हैं यहाँ पे चल रहा गेम। तो गाइस मैं पहुंच चुका मैदान में, देख सकते खूबसूरत दृश्य में, और यहाँ पे खूबसूरत मैदान में मैच हो रहा है। यहाँ पे करंट चैंपियनशिप अंडर 17, और यहाँ पे चल रहा है मैच बैडमिंटन और क्यूबेक का। देख सकते हैं आप जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा वैसे खूबसूरत गोल मारा उन्होंने, क्या जबरदस्त गोल मारा यहाँ पे क्यूबेक ने। वाह भाई, जैसे अभी तक कोई गोल नहीं था, दोनों में 0-0 थे। जैसे मैं मैदान में पहुंचा वैसे गोल हो चुका है। तो गाइस बने रहो, आप मजा आने वाला है आज, मैं दिखाऊंगा आपको गोल मैच। चलो फिर थोड़ा आगे जाता हूँ मैं किसी जगह पे। क्या गोल मारा बंदे ने, ये मारी किक और बॉल गई सीधे इनके बीच ही बीच से चखाते हुए सबको, और यहाँ पे गोल कीपर को भी चखाते हुए गो बॉल सीधा नेट के अंदर। सुपर्ब गोल में आई लाइक इट। तो गाइस यहाँ पे चैंपियन बन चुकी है क्यूबेक अंडर 17 कैनेडियन चैंपियन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप काफी उत्साह है बच्चों में, क्योंकि काफी खूबसूरत मैच बना यहाँ पे, और इन्होंने 3-1 से यहाँ पे विन हुए हैं क्यूबेक, क्योंकि उन्होंने 3 गोल मारे थे और एडमिंटन ने 1 मारे थे। देख सकते हैं बच्चों में काफी उत्साह है, सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं अपनी विनिंग को। देख सकते हैं यहाँ पे काफी भीड़ है, काफी लोग आए थे दूर दूर से देखने के लिए। ये मैच जो था यहाँ पे एडमिंटन और क्यूबेक का था, क्योंकि एडमिंटन और क्यूबेक काफी दूर है, ये मैच हो रहा था सरी वैंकूवर में, और जो सरी वैंकूवर बीसी में जो बाकी टीमें हैं वो है क्यूबेक और एडमिंटन के, यहाँ से काफी दूर है, फ्लाइट का भी रास्ता में 3-4 घंटे का शायद। देख सकते हैं यहाँ पे कैसे झूम रहे चैंपियन टीम क्यूबेक,
जो काफ़ी अच्छा मैच खेला उन्होंने और काफ़ी खूबसूरत गोल सेव किए थे और काफ़ी उन्होंने खूबसूरत गोल मारे थे। देख सकते हैं अभी काफ़ी अपना झूम रहे, अपना गा के पूरी टीम और कोच जो भी उनके सपोर्ट करता है तो सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं गाइस। देख सकते हैं आप गाइस, अपना तो यही है बस, कोई भी स्पोर्ट्स हो तो मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मैं खेलता तो क्रिकेट हूँ बट स्पोर्ट्स कोई भी हो देखने में मज़ा आता है। यहाँ भी काफ़ी मज़ा आया कि दीदी ने बुलाया था और देख सकते हैं आप बच्चे लोग झूम रहे हैं तो गाइस मैं भी इनका इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइस बस बने रहो, बस अब इनका जो भी होगा हम घर जाएंगे उसके बाद देखते क्या होता है। गाइज मैच खत्म हो चुका है, टीम जीत चुकी है, बीटीबी टीम जीती है कनाडा की। काफी मजा आया मैच देखने में, लाइव देख के काफी मजा कुछ हो रहा था गाइज। अब चलते हैं हम घर, चलो प्यांसे मजा आया ना। हाँ। अब प्यांसे भी खेलेगी, बोलो प्यांसे आज मजा आया था, प्यांसे भी खेलेगी आज के बाद शौकर आए, कहानी भी खेलेगी कहानी भी खेलेगी। अब चलते गाइज घर। तो गाइज मैं सामने का नजारा दिखाता हूँ आपको क्योंकि अब गर्ल्स रेडी है अपने मैच खेलने के लिए, बॉयज का तो हो चुका है, अब है गर्ल्स का मैच। तो गाइज हम चलते हैं अब इसी खूबसूरत नज़ारे में घर की तरफ। तो गाइज आज उम्मीद आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया, पसंद आएगा तो चैनल को लाइक करना, चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।